नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश फरुखाबाद। तो फरुखाबाद में भाव लगभग वही चल रहे हैं। इस टाइम पे बीजा की बिक्री शुरू हो गई है और बीजा में सिर्फ 208 और पुखराज ही बिक रहा है। अभी ख्याति की बिक्री नहीं है। ख्याति की बिक्री थोड़े दिन के बाद होगी। तो अभी दो ही बीजा बिक रहे हैं, 208 और पुखराज। इसके अलावा अभी दूसरा बीजा कोई नहीं बिक रहा है। दूसरा बीजा जैसे ही जैसे टाइम नजदीक आएगा तो बिकेगा, तो बताऊंगा उसका भाव। और नॉर्मल आलू जो है वो ख्याति पुखराज वो तो आपके वही बिके हैं, पौने 700 रुपये मतलब पैकेट के आसपास। जो मतलब अधिकांशता जो बिकते हैं वो 675 रुपया, 681 रुपया, 91 रुपया तक बिकते हैं। और निवल वाले जो हैं वो बिक रहे हैं 650 रुपया पैकेट के आसपास। और बढ़िया आलू बिक रहे हैं 700 रुपया पैकेट, और हो सकता है कोई 711 रुपया पैकेट भी बिक जाए। और वैसे मतलब हाईएस्ट में 700 रुपया पैकेट के रेट हैं। हाईलैंड आपका वही चल रहा है, आपका 750 से लेके 800 रुपया पैकेट के आसपास। और 3797 सादा वाला चल रहा है, 750 से लेके 750 रुपया पैकेट। और शुगर फ्री जो है 3797 वो बिक रहा है 800 रुपया पैकेट तक। चिप्सोना आपका वही चल रहा है, आपका 850 से लेके 900 रुपया पैकेट के आसपास। इक्का दुक्का कुछ बहुत बढ़िया है तो ऊपर भी बिक सकता है। बीजा बिक रहा है, पुखराज का बिक रहा है बीजा आपका 1700 से लेके 2300 रुपया पैकेट तक बिक रहा है बीजा। बीजा के रेट में डिफरेंस इसलिए है, किसी का बीजा नया है, किसी का बीजा पुराना है। तो जिसका अच्छा बीजा है वो तो कम रेट में नहीं दे रहा है, और जिसका थोड़ा बीजा कई बार का किया हुआ है तो वो कम रेट में भी दे दे रहा है। तो इसीलिए बीजा पुखराज का बिक रहा है 1700 से लेके 2300 रुपया पैकेट तक। जो बीजा की बिक्री होती है पैकेट में वो तो मतलब सूखा हुआ बिकता है, 50 किलो तोलोगी। और जो वैसे आलू जो बिकते हैं सादा वो बिकेंगे आपके मतलब 53 किलो के हिसाब से, 53 किलो गीला आलू तुला जाएगा वो। और 208 का बीजा बिक रहा है आपका 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल। इसका भाव फिक्स हो गया है अभी लगभग, मतलब 2400, 2450, 2500 रुपया कुंतल के आसपास बिक रहा है 208 का बीजा। मक्का मूंगफली के भाव बढ़े हुए हैं। मक्का बिक रही है आपकी 350 से 2300 से लेके 2400 रुपया कुंतल। और मूंगफली बिक रही है आपकी 600 से लेके 6000 से लेके 6500 रुपया कुंतल। तो मक्का मूंगफली के रेट में इजाफा हुआ है। और आलू के रेट लगभग वहीं पर चल रहे हैं, कोई मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव जैसा कुछ नहीं है। कंचन बिक रहा है 675 रुपये से लेके 700 रुपया पैकेट के आसपास। और ये फरुखाबाद में 53 किलो की बढ़ती मतलब तौल होती है, 53 किलो के हिसाब से तौल होती है। और कोल्ड भाड़ा जो है वो किसान को देना पड़ता है। ये रेट जो है वो विद कोल्ड भाड़े के रेट हैं। इसके बाद बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में आपका हालैंड बिक रहा है 575 से लेके 600 रुपया पैकेट। और कंचन बिक रहा है आपका 475 रुपये से लेके 500 रुपया पैकेट के आसपास। और सिंदूरी बिक रहा है आपका 475 से लेके 530 रुपया पैकेट के आसपास। बढ़िया आलू अगर हैं बहुत अच्छे तो कुछ रेट 10-20 रुपये ऊपर भी हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में आपका मंडी का रेट है ये। कानपुर मंडी में ख्याति पुखराज बिक रहा है आपका 600 से लेके सॉरी 550 से लेके 575 रुपया मन। और 3797 बिक रहा है आपका 575 से लेके 600 रुपया मन। बढ़िया अगर है तो 10-5 रुपया ऊपर भी हो सकता है। हाईलैंड बिक रहा है आपका 600 से लेके 650 रुपया मन के आसपास। चिप्सोना बिक रहा है 600 से लेके 700 रुपया मन के आसपास। नॉर्मल चिप्सोना है तो 600 रुपया पैकेट के आसपास। और बढ़िया एकदम मोटा है तो 700 रुपया पैकेट नहीं मन, तो 700 रुपया मन के आसपास। श्रीनाथ भी बिक रहा है आपका 700 से लेके 800 रुपया मन के आसपास। शुगर फ्री और सादा के रेट अलग अलग हैं। 800 रुपया मतलब 700-800 रुपया शुगर फ्री के हैं, अगर सादा है तो 700 से कम में जाएगा। सिंदूरी बिक रहा है आपका 500 से लेके 550 रुपया मन के आसपास। तो कानपुर में मन होता है 40 किलो का, तो ये रेट जो है वो 40 किलो के रेट हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में 3797 बिक रहा है आपका 700 से लेके 850 रुपया पैकेट। और बढ़िया जो है वो बिक रहे हैं 900, 950 रुपया पैकेट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के।
वही हाल टुंडला में है, 3797-700 से लेके 850 रुपया पैकेट। बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का माल जो है वो 900 से लेके 925 रुपया पैकेट का है। सिरसागंज में 3797 बिक रहा है आपका 700 से लेके 750 रुपया 850 रुपया पैकेट। और बढ़िया सुपर माल जो है वो 900 से लेके 925 रुपया पैकेट का है। सासनी में 3797 शुगर फ्री बिक रहा है 820 से लेके 840 रुपया पैकेट। ये विद कुल भाड़े के रेट हैं। और कुल भाड़ा जो जहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी विद कुल भाड़े की बात आती है तो भाड़ा किसान देता है, क्योंकि वो भाड़े के साथ में बात होती है। तो इसमें से भाड़ा जो है वो जो भी कुल का भाड़ा लगता है वो भाड़ा किसान को देना पड़ेगा। कानपुर, इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में चिप्सोना के रेट कुछ गिरे हुए हैं। बिका है चिप्सोना 1600 से लेके 1800 रुपया कौंतल के आसपास। और वहीं पे बरेली की बात करें तो बरेली में भी चिप्सोना के रेट गिरे हैं थोड़े से। चिप्सोना बिका है आपका 850 से लेके 875 रुपया पैकेट के आसपास। ये यहाँ पे बरेली मंडी में जो 50 किलो भर्ती होती है, 50 किलो के रेट होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, और वही 50 किलो के रेट होते हैं लखनऊ में। कोल्डो में जो मिलता है वो आपको 52-53 किलो मिलता है। मंडी में आपको नेट वेट 50 किलो मिलता है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे G4 आपका वही चल रहा है 2100 से लेके 2200 रुपया कुंतल के आसपास। और गोला चल रहा है आपका 1500 से लेके 1600 रुपया कुंतल के आसपास। ये हो गया आपका कन्नौज भी। ये बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में आपका समस्तीपुर में बिहार में लाल आलू के रेट गिरे हुए हैं। लाल बिका है समस्तीपुर में C40 आलू 1300 से लेके 1750 रुपया कुंतल। और बेगूसराय में भी C40 बिका है आपका 1300 से लेके 1750 रुपया कुंतल। और सफेद बिका है आपका 1450 से लेके 1450 रुपया कुंतल। गुलाबबाग में हाईलैंड बिका है आपका 1600 से लेके 1700 रुपया कुंतल के आसपास। तो ये लोकल मंडियों के भाव थे। और बाहर की मंडियों की बात करें, जयपुर में आपका वही चल रहा है 1300 से लेके 1700 रुपया कुंतल के आसपास। निवल वाले आलू जो है वो 1300-1400 रुपया कुंतल है। मीडियम वाले आपका 1500-1600 रुपया कुंतल है। बढ़िया आलू बिक रहे हैं 1700 रुपया कुंतल के आसपास। मुंबई की बात करें तो मुंबई में बिका है आपका 1600 से लेके 1950 रुपया कुंतल के आसपास। निवल वाले 1600-1700 रुपया कुंतल है। मीडियम 1700-1800 रुपया के आसपास हैं। और बढ़िया आलू जो बिक रहे हैं वे 1900 से 1950 रुपया कुंतल के आसपास बिक रहे हैं। आसाम की बात करें, आसाम घाटी में बिका है आज, यहाँ पे भी बाजार थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे बिका है आपका 2100 से लेके 2300 रुपया कुंतल के आसपास। और सिलचर में बाजार सेम है, सिलचर में बिका है आपका 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल के आसपास। उड़ीसा भुवनेश्वर की मंडी गिरी हुई है। तो यहाँ पे आपका बिका है आज 1880 रुपये से लेके 2000 रुपया कुंतल के आसपास बिका है ज्योति आलू। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी रेट आज कमी हुए हैं, क्योंकि अगर भुवनेश्वर की मंडी गिरी है तो वेस्ट बंगाल का गिरना जो है लाजमी है। घुसकरा में बिका है आपका 1040 से लेके 1050 रुपया पैकेट ज्योति आलू छट्टा। खिरपई पश्चिम मिदनापुर में बिका है आपका 900 से लेकर 910 रुपया पैकेट गड ज्योति का। कौतलपुर बंकुरा में बिका है आपका 1800 से लेकर 1810 रुपया कौंतल गड आलू। और श्रीनगर मिदनापुर में बिका है आपका 1830 से लेकर 1840 रुपया कौंतल गड आलू। बर्धमान में बिका है आपका 1110 से लेकर 1120 रुपया पैकेट ज्योति छट्टा। यहाँ पे ये नेट वेट रहता है 50 किलो। और ये बिल्टी के रेट हैं, मतलब इसमें कोल्ड के सारे खर्चे ऐड हो चुके हैं। बिल्टी के मतलब गाड़ी पे लोड होके आपको ये पैसे देने हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात दिशा में पुखराज बिका है आपका 725 से लेके 850 रुपया पैकेट। ख्याति बिका है आपका 775 से लेके 900 रुपया पैकेट। और बादशाह बिका है आपका 825 से लेके 975 रुपया पैकेट। ये ग्रेडेड आलू के रेट हैं। सूरत की बात करें तो सूरत पुखराज बिका है आपका 250 से लेके 325 रुपया मन। और ख्याति बिका है आपका 280 से लेके 350 रुपया मन।
और बादशाह भी कहा है आपका 300 से लेके 425 रुपया मन। एलआर भी कहा है आपका 240 से लेके 350 रुपया मन। मन होता है यहाँ पे 20 किलो का, तो ये रेट जो है वो 20 किलो के रेट हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में ज्योति भी कहा है आपका 1800 से लेके 1900 रुपया कौंतल, और एलआर भी कहा है आपका 1900 से लेके 2000 रुपये कौंतल के आसपास। और तो ये थे भाव जो मुझे मिले थे, और बाकी अगर आपको अपनी मंडी का भाव पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ आलू क्या रेट बिक रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर YT मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं या YT मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।